फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कौन है आप में? आपने दिया हुआ है, आपने भी दिया हुआ है। क्या स्कोर था एथिक्स में? कितना? 74। आपका पिछले कितना था? 114। ठीक है, मैं मुदित जैन हूँ। 5 अटेम्प्ट दिए मैंने, 3 बार सिलेक्शन हुए। 222 रैंक आई थी पहले, फिर 207, इस बार 173। इस बार ही दिया था पिछला, अब नहीं दे रहा, अब FC जाऊंगा। तो मैं पहले 2 बार IPS मिला था इंजरी की वजह से, लेकिन मैं चेंज हो रहा हूँ IRS में इस बार। ठीक है, एथिक्स में मेरे जो स्कोर रहे हैं 114, 114, 111 और इस बार 95। ठीक है, एथिक्स में आपको लगता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो एथिक्स में लगती है आपको, और उससे बहुत एक बेसिक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है एथिक्स में, सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है एथिक्स की। अगर आपने सिलेबस कभी ध्यान से पढ़ा हो तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पहला चैप्टर है, फिर ह्यूमन वैल्यूज है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चैप्टर है, गवर्नेंस, फिलोसोफर्स। ठीक है, सिलेबस को यूज़ करके ही, कीवर्ड्स को यूज़ करके ही आप पिछले 5 साल के पूरे पेपर सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने एथिक्स की बुक लिखी है सर के साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सिलेबस इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, अगर अब तक नहीं करा है, सिलेबस रटना है। समझने का कुछ होता नहीं है सिलेबस में, पॉइंटर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, सिलेबस रटना है। मेरे हिसाब से सिलेबस में ही आपको एटलीस्ट 30 कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो थ्योरीज होती हैं, मिसकंसेप्शन क्या है लोगों में कि थ्योरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है एथिक्स में, इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इस बार रेंज कम आया है मार्क्स का, वैसे रेंज आता है, अगर आपके 110 आए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, 2016 में लोगों ने बढ़ाया था स्कोर, लोगों के 125, 130 भी आए थे। उससे पहले होता था 110 आ रहा है तो अच्छा स्कोर। जो लोग थ्योरेटिकल ज़्यादा लिखते थे पेपर उस टाइम पे, उनका 80s में आता था एवरेज। ठीक है, ये मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के साथ हुआ है, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरी का सिर्फ पासिंग रेफरेंस देना इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिक एरर हैं जो लोग करते हैं कि एथिक्स को थ्योरेटिकल बना देते हैं और सिलेबस नहीं लिखते। तो पहली आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सिलेबस आपको रटना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पेस्ट कर लेना रूम पे, बहुत हेल्प करेगा सिलेबस। सेकंड है ट्रेंड। पिछले 5 साल के पेपर आपको एनालाइज करने बहुत ज़रूरी हैं, किसी और सब्जेक्ट में करो ना करो, एथिक्स में कर लेना। मैं रीज़न बता देता हूँ, मैंने खुद कभी नहीं कराई है एनालाइज। ठीक है, सरसरी नज़र से देख लेते थे। इस बार मैं बुक जो लिख रहा हूँ दोबारा, सेकंड एडिशन, तो मैं उसमें आंसर राइटिंग डाल रहा था, तो मैंने पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करे, तो उसमें मैंने देखा 2013 में जब पहली टाइम एथिक्स आया था, तो उसमें पहले ही क्वेश्चन कुछ था, डिफाइन करने थे कीवर्ड्स। तो कन्विक्शन करके एक कीवर्ड था, करेज ऑफ कन्विक्शन एंड सर्विस, वो रिपीट हुए 2017 में। इस बार इंटीग्रिटी का क्वेश्चन जो पहले आया था वो रिपीट हुआ 2017 में। तो क्वेश्चंस, 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एथिक्स में। एक तो हो गया रिपीटेड, ठीक है, दूसरा हो गया जो आपका सिलेबस से आ रहा है सीधा। सिलेबस से जैसे इस बार क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी अप्लाइड इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। अब एथिक्स में है क्या, 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है,
10 मार्क्स का क्वेश्चन 7 मिनट में आंसर करना होता है। काफ़ी लोगों ने उस हाउ पे फोकस नहीं करा, क्वेश्चन था हाउ, व्हाट नहीं था, ना वाई था, तो गड़बड़ वहाँ हुई है इस बार लोगों की। आपसे पूछा गया है हाउ, तो आपको दो पेज हाउ पे ही लिखने हैं, ठीक है। लास्ट अब कंक्लूजन एक बार को बना सकते हो कि हाँ ये अगर हमने ऐसे ऐसे कर दिया तो ये पॉजिटिव्स हो जाएंगे। और सिलेबस से इस बार क्वेश्चन थे इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे हो गया इंटीग्रिटी की डेफिनेशन, सिलेबस में मेंशन है टर्म, एक बार 2015 में शायद आया था या 14 में, कंसाइंस पे, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एंड वॉइस ऑफ कंसाइंस, 10-10 मार्क के क्वेश्चन थे, सीधा सिलेबस से। एक जो आने लगा है बहुत, और जिसकी वजह से स्कोर कम जा रहा है, अप्लाइड एथिक्स, ये इतना सटल है कि हमें एग्जाम प्रेशर में, एनवायरनमेंट में, उस रूम में समझ भी नहीं आता कि ये क्वेश्चन एथिक्स का है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द कंपनीज प्रॉफिटेबल, डिस्कस करना था उसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें देखो, मैं GS1 में पूछ सकता हूँ ये क्वेश्चन सोसाइटी में, ठीक है, GS2 में पॉलिटी में, GS3 में इकोनॉमी, या मैं किसी इंडस्ट्री से रिलेट कर दूंगा, कंपनीज एक्ट से रिलेट कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन आया GS4 में, तो यहाँ करना क्या है, तुम्हें एथिक्स लिखना है इसमें। अगर ये प्लेन किसी ने GS का आंसर लिखा होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, एम्बिशन का एक कोट आया था कि लोग एम्बिशियस होते हैं लेकिन उनका कैरेक्टर जो होता है, जो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि एम्बिशन आगे जाके सही होगा या नहीं, और उसको दो रूलर्स से हमें एक्सप्लेन करना था, रूलर्स के एग्जांपल से। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपने जितना यहाँ पढ़ा है सिलेबस में, जो थ्योरीज पढ़ी हैं किसी भी बुक से, वो आपको यहाँ अप्लाई करनी है। ये क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है, रिपीटेड तो आप कर लोगे क्योंकि पिछले बार है, ठीक है। सिलेबस हो गया, ट्रेंड हो गया, तीसरा है कि आपको आप प्रिपेयर कैसे करना है एथिक्स को। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया आपको सिलेबस पे फोकस करना है, ठीक है। बुक रीडिंग किसको लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एथिक्स में, या कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए? मार्केट में लेक्सिकॉन है और सुब्बा राव है, दो बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा चलती हैं। मैंने लिखी थी 110+, ठीक है, अभी उसका सेकेंड एडिशन आएगा, लेकिन बुक फिर भी कितना इम्पोर्टेंट है। आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको थ्योरीज पता चल जाए। 2016 का जो पेपर था आपने दिया था, 2016 स्टैटिक पेपर था एकदम, रॉल्स की थ्योरी पूछ ली, सोशल जस्टिस, वेबर पूछ लिया, ठीक है, और दो चार ऐसे बाउंसर्स आए थे, सेवन सिंस गांधी के, अब किसी को पता है तो वो लिख देगा, नहीं पता तो नहीं लिख पाएगा। तो इसलिए थ्योरी पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। किस साल UPSC एकदम से पैटर्न चेंज कर दे, आइडिया नहीं है किसी को। लेकिन मिस्टेक ये मत करना कि आप एक से ज़्यादा बुक पढ़ रहे हो, एक बुक पढ़ो, सिलेबस साथ में लेकर बैठो, जो भी सिलेबस से आपको बाहर का लग रहा है वो स्किप करो। बुक्स में होता है ऐसा, कोई 200 पेजेस की या 100 पेज की बुक नहीं छापेगा, एथिक्स की बुक मैक्सिमम 200 पेजेस में बन जाएगी बहुत अच्छी। तो इसलिए आपको स्किप करना बहुत ज़रूरी है किसी भी बुक से, जहां आपको लगे कि ज़्यादा पैरा आ रहे हैं आप स्किप कर दो, और जो पार्ट सिलेबस का कवर नहीं हुआ है उस बुक में वो आप गूगल करके पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस पूरा कवर करना, ये बाकी GS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके ऑप्शनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कि एक एक जो सिलेबस में टर्म मेंशनड है वो कवर हो जाए, ठीक है। एक बुक पढ़नी है आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो है उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि बुक रीडिंग करते समय नोट्स बनाए ना बनाए, कैसे करें। तो जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करते हो बुक की, तब मार्क नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है तो नेचुरली हम सब कुछ मार्क कर लेंगे। सेकंड रीडिंग करते हुए आप मार्क करो, और थर्ड रीडिंग करते हुए नोट्स बनाओ। मैं जो पढ़ता हूँ या जो भी पढ़ता था मैं उसके नोट्स बनाता था,
ठीक है, मेरा ब्लॉग है, मैंने उस पर सब अपलोड कर रखे अपने नोट्स, वर्डप्रेस पे ब्लॉग है ये, यूट्यूब का चैनल है मेरा, ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो नोट्स। मेरा आइडिया हमेशा ये होता था कि मुझे पढ़ना कम है, जैसे मैंने एक बुक पढ़ी बस, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। अब मैं 300 पेज की कोई बुक चार या पांच बार तो नहीं पढ़ सकता, तो मैं उसके 50 पेज के नोट्स बना लेता था हर चीज़ के, हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कुछ भी हो गया, मैं नोट्स बना लेता था। तो आपको एथिक्स के भी नोट्स बनाने हैं। एथिक्स के नोट्स बनाते हुए याद रखने आपको कीवर्ड्स, जैसे कम्युनिटेरियनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सोशल एथिक्स, बाइबल एथिक्स, जैन एथिक्स, बुद्ध एथिक्स, जितने रिलीजन हैं लगभग वो कवर हो जाए सब। इन्हीं कीवर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं जनरली। एक क्वेश्चन शायद आया था इस बार कि गुड ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन गुड ऑफ सोसाइटी, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको आप एथिकल कैसे बना सकते हो? आप लिखो इसमें कम्युनिटेरियन एथिक्स, इंडिविजुअल एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म एज अ प्रिंसिपल, लार्जेस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, दो चार फिलोसोफर के नाम लिख दो, बेंथम एंड मिल जैसे डाल दिया, तो एग्जामिनर को क्या होता है, साइकोलॉजिकली आप हिट कर रहे हो कि हाँ मैंने एथिक्स पढ़ा है, तुम जितना भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लो मुझे आता है। 2014 में पहले ही क्वेश्चन था कि व्हाट इज हैप्पीनेस, डू यू थिंक दैट एवरीबडी एस्पायर्स फॉर हैप्पीनेस, और एग्जाम्पल से प्रूव करो। अब ये इतना जनरल क्वेश्चन है, आपने बुक पढ़ी हो ना पढ़ी हो आप लिख दोगे, ठीक है। मैंने लिखा था आंसर, मार्क्स आए थे, लेकिन मुझे थ्योरी इसके पीछे की नहीं पता थी। तो हैप्पीनेस के बारे में मैंने जब बाद में पढ़ा तो प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है हैप्पीनेस के बारे में, कि हैप्पीनेस इज वर्च्यू ऑफ सोल, व्हाट इट इज़ गुड फॉर सोल दैट ड्राइव्स हैप्पीनेस, ठीक है। तो अगर आप ये लाइन लिख दोगे शुरुआत में, इंट्रो में ही, तो एग्जामिनर को एकदम आई कैचिंग लगेगा, उसे समझ में आ जाएगा आपने एथिक्स पढ़ा। तो इसलिए कीवर्ड्स बनाना इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम में क्लिक नहीं होगा। आपने एक मोटी सी बुक पढ़ी है वो क्लिक नहीं होता है, क्योंकि 7 मिनट में आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। कीवर्ड्स के बुक पढ़ ली, रीडिंग हो गई, मार्क हो गया, नोट्स बना लिया, कीवर्ड्स बना लिए, मल्टीपल रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 to 5 रिविजन्स। ये सिर्फ एथिक्स के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए, तभी आप एग्ज़ाम में 7 मिनट में मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख पाओगे। एथिक्स में होता क्या है, लोग पैराग्राफ्स में चले जाते हैं, जैसे ही आप पैराग्राफ में जाते हो आप डाइग्रेस होने के चांस होते हैं इशू में, कि आप फ्लो में बह जाओगे एक ही पॉइंट के ऊपर। मान लो आपने कोई व्यू बेस्ड आंसर लिखा है अब, और मुझे एज एग्जामिनर वो व्यू ही पसंद नहीं आया, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांस है। तो इसलिए आप पॉइंट्स में लिखो, मल्टीपल डायमेंशंस कवर करो। मैंने मान लो अगर 6-7 डायमेंशन लिखी है, आपको 1-2 पसंद नहीं आई, फिर भी आप मुझे 4 या 5 पे रेट करोगे, मुझे मार्क्स मिलने के तब भी चांस है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पैरा में ही लिखने पड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करो कि पॉइंट्स में लिखो। देखो आंसर जो है वो रीडेबल होना चाहिए, जल्दी से रीड हो जाए, एग्जामिनर को ज़्यादा सोचना ना पड़े, देखना ना पड़े, तो उस आंसर में आपको नेचुरली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप चेक कर रहे हो कॉपी, आपको कॉपी चेक करने के पैसे मिल रहे, तो आप वो कॉपी जो आसानी से चेक कर पा रहे हो, जिसमें प्रेजेंटेशन है, राइटिंग अच्छी है, डायग्राम है, तो आप अच्छे नंबर दोगे उसे। और कुछ प्रिपरेशन में ऐसा सच नहीं करना है एथिक्स में, सिलेबस, ट्रेंड्स, प्रिपेयर और रिवाइज। अब मेन चीज आती है अप्लाई करना, पढ़ते सवे एथिक्स, जब तक पेपर में अप्लाई नहीं होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा मार्क्स में। तो मार्क्स को इम्प्रूव करने का मैंने एक और ओरिएंटेशन ली थी, मैंने बेसिक सा एक चीज़ बताई थी, आपको हर क्वेश्चन में +1 चाहिए, ठीक है। मेरे जीएस में 340 आए थे पहले, फिर 387, 426 और 463। तो हर साल मैं सोचता था मुझे +1 में कैसे करूं, मैं ऐड ऑन कैसे करूं इस मार्क्स पे। जब मेरे इतने आए तब
ये थे 2014 में, तो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तेरा ये सैचुरेशन हो चुका है जीएस का, इससे ऊपर जाना मुश्किल है। उस टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर होता था, 400 टच नहीं होते थे ज़्यादा, 401 समथिंग हाईएस्ट थे शायद, 426 फिर आए, ये फिफ्थ हाईएस्ट थे मेरे 2015 में। 16 में मैंने मेंस नहीं लिखा था, इस बार 460 से ज़्यादा बहुत लोगों के आए हैं, 500 भी आए हैं दो लोगों के, 500 प्लस, ठीक है। तो आप इतना भी अचीव कर सकते हो, वो आपको प्लस वन चाहिए हर क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हर जीएस में, टोटल स्कोर कितना हो गया एंड में, प्लस 80, ठीक है। 80 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं प्लस 80, तो आपको ज़्यादा फाइट नहीं करनी, आपको बेसिक आंसर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना है, पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं और प्लस वन अर्न करना है। एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस वन कैसे आएगा, आप में से मुझे कोई बताओ, पहले अपना मेथड में एक्सप्लेन कर दूंगा। एथिक्स में आपको क्या लगता है, एक्स्ट्रा एक एज लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल्स देखो, पहले ऐसा होता था लोग थ्योरेटिकल लिखते थे, और लोगों को समझ आ गया है कि एग्जाम्पल लिखने हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होता है कि एग्जाम्पल कोट करो, तो हर कोई एग्जाम्पल लिखेगा। मुझे नहीं लगता आप कोई एग्जाम्पल मिस करेगा एथिक्स में। और कुछ बताओ, डायग्राम, डायग्राम एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। कम लोग हैं जो एथिक्स में बनाते हैं, इनफैक्ट सबको पता है कि जीएस में डायग्राम बनाने हैं, फिर भी लोग पता नहीं क्यों एवर्स हैं उसको लेके, नहीं बनाते, एप्रिहेंसिव हैं उसको लेके, ठीक है। सेक्शन ए जो है उसका आंसर राइटिंग और सेक्शन बी का आंसर राइटिंग, जमीन आसमान का फर्क है। इसमें आपके लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, 150 वर्ड्स में देना होता है आंसर, और 10 मार्कर होते हैं। ये चीज कॉमन रही है एक ओवर द अटेम्प्ट्स, हर अटेम्प्ट में यही रहा है, शायद एथिक्स ही ऐसा है जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। बाकी में लोग 12.5 मार्कर आ गए, जैसे 15 मार्कर आ गए, ये लोग करते रहते हैं ऐसा, इसमें नहीं हुआ ऐसा। तो अगर कोई इस बार पेपर ले रहा है, मेंस दे रहे हो, तो एक आपके लिए पॉइंटर ये, आप प्रिपेयर्ड रहना, हो सकता है एथिक्स में भी 12.5 या 15 मार्कर आ जाए। देखो यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, आपको उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए प्रिपेयर करना है, अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल रख के प्रिपरेशन को, ठीक है। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना। जनरल फॉर्मेट क्या है, हर क्वेश्चन में इंट्रो देना बहुत ज़रूरी है, ये अक्रॉस द जीएस है, ठीक है, सबको पता ही है। लोग लेकिन जल्दबाजी में मिस करते हैं, खासकर पिछले क्वेश्चंस में। हमारे साथ होती क्या है प्रॉब्लम, कि पहले 4 या 5 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे होते हैं आंसर, जैसे फिर हम क्लॉक देखते हैं तो क्लॉक के साथ अपना जो आंसर स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, भूल जाते हैं आंसर स्ट्रक्चर, बस लिखो, तो वहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। हर क्वेश्चन में मैं 2 क्यू बोलता हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी, हर क्वेश्चन में दोनों पे फोकस होना चाहिए, तभी आपका स्कोर 120-125 टच करेगा, ठीक है, बराबर होना चाहिए ये। तो क्वालिटी कहाँ से आती है, कि आपने इंट्रो लिखा है, जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के, जो कीवर्ड्स हैं उनको डिफाइन करा है, ये चीजें दोनों आपके अंदर इतना इंग्रेन हो जाना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा और ये लिखा बिना सोचे, आपको सोचना भी नहीं है उस समय कि मैं क्या लिख रहा हूं, आप अगला जो क्वेश्चन है आपका मेन, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आंसर बॉडी के बारे में सोच रहे हो, यहां तो आपके हाथ चल रहे हैं, बस माइंड आपका चल रहा है कि हाँ मुझे अगला क्वेश्चन पार्ट जो है एड्रेस कैसे करना है। फिर आपकी आती है आंसर बॉडी, देखो ये ट्रिकी है, या तो यहां पैरा लिखो या पॉइंट्स लिखो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले, पैरा अगर लिखोगे तो फ्लो में बहने के चांस होते हैं, डायमेंशन नहीं आएंगी,
पॉइंट्स अगर लिखे तो डिमेंशंस आएंगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लिखना। कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें पॉइंट्स बन ही नहीं सकते, वो क्वेश्चन देखते ही रियलाइज हो जाता है, तो अगर आप उसमें भी पॉइंट्स लिखते तो बहुत मैकेनिकल लगते हैं आंसर, एग्जामिनर से कनेक्ट नहीं बैठ पाएगा, क्वेश्चन से मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़, वो गलती नहीं करनी है। पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स लिखते हो आप? आपने मेंस लिखा था इस बार, कितने पॉइंट्स लिखते हो जनरली जीएस में? 5-6 10 मार्कर के लिए, हाँ मैक्सिमम 7, और 15 मार्कर एक्सप्लेनेशन बढ़ा देते, ठीक है। ये बेसिक एरर है, आपका स्कोर 80s में होगा मेरे ख्याल से, या 100 से ऊपर नहीं होगा उस, नहीं बाकी जीएस में, पेपर 3 में कम होता। 2 में तो चलो पैरा में लिखना होता है, 2 में लोग यही एडवाइस करते हैं खासकर जो पबेड वाले हैं कि पैरा में आंसर लिखो, 1 में मिक्स रहता है। देखो रीज़न वही है जो मैंने आपको अभी पहले बताया, मान लो मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने 10-15 कॉपी चेक कर ली है, अब मेरे पास आपकी कॉपी आई है, आपने 5 पॉइंट लिखे हैं जो आप बोल रहे हो, अब ऑलरेडी वो 10-15 कॉपीज में वो 4-5 में से 3 या 4 पॉइंट आ चुके हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं वो सब लिख देते हैं, वो 4 या 5 पॉइंट आ चुके हैं, आपको पता है, वो कुछ यूनिकनेस नहीं हो रही आपके पेपर में, तो आप मार्क्स कैसे दोगे? वैसे यूपीएससी 120 या 125 नॉर्मल ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस बार पेपर 3 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन करा है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि लोगों के 150-140 कैसे आ गए। नॉर्मल ईयर्स में ये बहुत अच्छा स्कोर होता है किसी भी पेपर में, तो मतलब ये कितना हो गया 250 में से, तो 10 में से कितना हो गया 4 या 5 मार्क्स मैक्सिमम दे रहा है वैसे यूपीएससी, एवरेज मार्क्स, ठीक है। अब आपने पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ 5, 2 पॉइंट्स देख देख के आप थक चुके ऑलरेडी, तो आप उस पर रेट नहीं कर रहे, 1 या 2 पॉइंट्स आपको पसंद ही नहीं आ रहे जो आपने लिखे हैं, आपका व्यू गलत लग रहा है, तो आपको वो रेट कर रहा है 2 या 3 पॉइंट्स पे, मैक्सिमम वैसे ही वो 4 या 5 नंबर देता, तो अभी हो सकता है वो आपको 3 मार्क्स दे दे, ठीक है। 10 में से 3 मतलब 250 में से 75, वो ज़्यादातर लोगों का रेंज रहता है जिनका मेंस क्लियर नहीं हो पाता, 75, 80 या 90, अब इन्फ्लेटेड है थोड़ा, लोगों के मार्क्स आ रहे हैं तो 90 की रेंज भी अब गंदी है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने यहाँ बोला क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, पॉइंट्स बढ़ा दो, ये एथिक्स के लिए भी है बाकी जीएस के लिए भी है। नहीं वो डायमेंशन वो ऐसे में रहता है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरमेंटल, वो हम इसमें नहीं लिख सकते जीएस में, नहीं। आप किसी भी क्वेश्चन को मैं अभी एड्रेस कर दूंगा, वो पहले मैं पॉइंट्स का बता देता हूँ, आप लिखो 10 से 15 पॉइंट, 15 नंबर के लिए। मैं इस बार लिख कर आया था 12-12 पॉइंट्स, 15 पॉइंट, मेरी कोशिश यही थी, जीएस 1 में 15 मार्कर के क्वेश्चन आए थे शायद, तो उसमें मेरी कोशिश यही थी कि मैं 10 से 15 पॉइंट लिखूँ। यार मैंने ब्लॉग पे कुछ डाले हैं 1 या 2, ज़्यादा मैंने डाले नहीं है, मैं स्कैन करके डाल दूंगा उस पे ब्लॉग पे, तो वो देख लेना, ठीक है। 10 से 15 पॉइंट आप लिखते हो तो सीधा आप अगर ये पैटर्न लगाओ कि मेरे को 2 या 3 पॉइंट्स आपके पसंद नहीं आ रहे, मुझे 5 पॉइंट भी पसंद नहीं आ रहे, तब भी मैं आपको 10 पॉइंट्स पे रेट कर रहा हूँ, फिर आपने इंट्रो लिखा है, आपने न्यूज़ का बैकग्राउंड लिखा है, पेपर स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं वो लिखे हैं, डायग्राम बनाए हैं, कंक्लूजन लिखा है, उसके बाद भी आपने 10-15 पॉइंट लिखे हैं, कैसे एग्जामिनर आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स नहीं देगा? आप उसको फोर्स कर रहे हो लिटरली, वो उसका पेन रुक ही नहीं सकता 4 या 5 नंबर कम देने से। जैसे ही आपके 10 में से 4 आ रहे हैं, मतलब आपके 400 नंबर आ गए जीएस में, ठीक है, वहाँ आपका मेंस पक्का क्लियर है। तो इसीलिए मुझे मेंस में कभी एज सच प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने 4 मेंस लिखे हैं, 4 निकले। एक बार 140 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे कट ऑफ से 2014 में, तब इंटरव्यू में मेरे सेकंड लोएस्ट थे सिलेक्टेड में, इंटरव्यू में मेरे हमेशा कम है,
इसलिए मैं बेसिकली मैं गाइड भी नहीं करता इंटरव्यू का, मैं खुद को वर्थ नहीं समझता कि मैं इंटरव्यू के बारे में बोलूं, ठीक है। एनीवे तो अब अगर आप किसी भी चीज़ पे 10 पॉइंट लिख रहे हो, 15 पॉइंट लिख रहे हो, तब क्वालिटी हर पॉइंट में नहीं हो सकती, ठीक है। इतनी होती नहीं है किसी की, वरना तो वो 600 मार लेगा जीएस में। तो आपको करना क्या है, पहले आप क्वालिटी वाले जो आपके पॉइंट्स हैं वो लिखो। मान लो मैंने 6 पॉइंट लिख दिए जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। कोई भी क्वेश्चन आ गया सीएसआर का, जैसे क्वेश्चन था इस पे कि सीएसआर जो है प्रॉफिटेबल है कंपनीज के लिए, तो मैं उसमें क्या लिखूंगा, ब्रांड वैल्यू। इसको आप एथिक्स से कैसे लिंक करोगे, एथिक्स में सिलेबस में कीवर्ड है सोशल इन्फ्लुएंस, कि आप सोशल इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों का, ठीक है, जानबूझ के नहीं कर रहे, उनका हो रहा है। जब मान लो एग्जांपल है टाटा, अब वो सीएसआर कर रही है, न्यूज़ में आ रहा है, तो एज अ इंडियन आपको ये लगेगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, तो आप हो सकता है उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ, आप उसके प्रोडक्ट लेने लगो, उसके एक ब्रांड वैल्यू बन रही है। ब्रांड वैल्यू हो गया। सेकेंड हो गया यूथ। ज़्यादातर सीएसआर जो है कंपनीज जो हमारी हैं वो एजुकेशन में करती हैं या पॉवर्टी एलिवेशन में करती हैं, रूरल एरियाज़ में। तो लोकल जॉब्स आप क्रिएट कर रहे हो, लोकल जॉब्स अगर क्रिएट कर रहे हो आप, तो आपको रिसोर्सेज के लिए इधर उधर मारा मारी नहीं करनी पड़ रही, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके पॉइंट्स लिख के सिलेबस से लिंक करते हुए, एथिक्स का कीवर्ड्स डालते हुए, आपने मान लो 6 पॉइंट लिख दिए, उसके बाद आप कुछ जनरल पॉइंट बना दो, वो क्वांटिटी हो गया, कुछ भी, कोई सा भी पॉइंट बना दो। ज़रूरी नहीं आप उसे सिलेबस से लिंक कर पा रहे हो या नहीं, कीवर्ड्स से लिंक कर पा रहे हो नहीं। होता क्या है, हमें आंसर आधा लिखने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो याद आते हैं, ठीक है। ये मेरे साथ तो हर बार होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अब एथिक्स में 12 पॉइंट लिखने का सेंस नहीं है, एथिक्स में 5 या 6 पॉइंट लिखो। ये 10 से 12 पॉइंट्स है GS1, GS2, GS3 के लिए, एथिक्स में नहीं है इतना, क्योंकि एथिक्स में हमें एग्जांपल लिखने होते हैं तो जगह ख़त्म हो जाएगी। तो एथिक्स में क्या करो, आप डायग्राम बना दो। फिर ये सबने देखा होगा कभी ना कभी, हब एंड स्पोक बोलते हैं शायद इसे। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि सीएसआर कैसे प्रॉफिटेबल कर रहा है, आपने 5 पॉइंट लिख दिए क्वालिटी वाले, फिर जो आपको रैंडम पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप ब्रैकेट में ऐसे लिखो, इसमें ओवल में लिख दो सीएसआर, और जो पॉइंट्स हैं वो लिख दो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपका डायग्राम आ गया, एक जो मोनोटनी है वो ब्रेक हो गई, सिर्फ पॉइंट्स या पैरा नहीं आ रहे, एक इनोवेशन हो गया। मान लो मैंने 10 कॉपी चेक करी है, हो सकता है जो उससे पहले की 8 हैं उन्होंने डायग्राम ना बनाया हो, तो ये देखते ही एकदम से आई कैचिंग लगता है, +1 तो मुझे लगता है डायग्राम ही दिला देगा अक्रॉस GS है, ये +1 तो आपको डायग्राम बना देगा। मैं हिस्ट्री में भी डायग्राम बनाता हूँ, हिस्ट्री के पेपर में तक, GS1 में मतलब, ठीक है। पॉइंट्स हो गया, थ्योरी। अब जब मैंने आपको बोला सोशल इन्फ्लुएंस, तो सोशल इन्फ्लुएंस सिलेबस का टर्म है, आपने यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है सोशल इन्फ्लुएंस, आपने एज अ पासिंग रेफरेंस यूज़ करना है। आप अपनी बात लिखो जो आपका पॉइंट है, फिर आप ऐसे लाइन लिख दो, दिस इज़ इन लाइन विद सोशल इन्फ्लुएंस। आप बस एग्जामिनर को ये दिखा रहे हो कि मैंने एथिक्स पढ़ा है कहीं से, मुझे सिलेबस पता है, मुझे थ्योरी पता है। लोग क्या करते हैं, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है ना, डिमांड है और फिर पेपर आपका थ्योरेटिकल हो जाएगा। तो किसी भी आंसर में थ्योरी मैक्सिमम 20 से 25% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना स्कोर कम हो जाएगा, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन पार्ट है किसी भी क्वेश्चन में, वो रिमेनिंग 75 से 80% होना चाहिए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये एथिक्स में। पॉइंट्स अपनी जगह है, डायग्राम अपनी जगह है। अगर आपने एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन से मेरा मतलब है एग्जांपल्स, अगर इस पे फोकस नहीं है तो मार्क्स मिलने के बहुत कम चांस हैं।
थ्योरी हो गया। अब आते हैं एग्जांपल पे, ये एप्लीकेशन पार्ट। एग्जांपल्स आप लोग कहाँ से बनाते हो एथिक्स में? रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में कोई एक एग्जांपल दो कैसा? ठीक है, आप बताओ। फेक प्ले। देखो जो आपका एग्जांपल है गलत नहीं है, लेकिन एथिक्स एक ऐसा पेपर है पूरे जीएस में, पूरे यूपीएससी में, एसए के अलावा, जहां आपको मौका मिला है लिखने का। ठीक है, क्वेश्चन सबको आते हैं एथिक्स के सारे, अगर एकदम थ्योरेटिकल ना हो जैसा 16 में था, 2016 में, वरना सबको हर क्वेश्चन आता है, हर कोई एग्जांपल लिख लेगा, क्वेश्चन कर लेगा। आपको मार्क्स कहाँ मिलेंगे? अगर आपका एग्जांपल जो है प्रोफेशनल हो, थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से एग्जांपल होना चाहिए। ये जो स्कूल वाले एग्जांपल हैं, फैमिली वाले हैं, पर्सनल एग्जांपल जो होते हैं, ये नहीं लिखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है इन एग्जांपल्स को, आपने इस पे फोकस करना है। प्रोफेशनल एग्जांपल हो, वर्क एक्सपीरियंस से एग्जांपल हो, जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी के, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, ये बहुत इफेक्टिव है। गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्जांपल लिखना, क्योंकि एग्जामिनर उसको मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, अगर आपका एग्जांपल एकदम फिट बैठ रहे कहीं तो। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एथिक्स में, ज़्यादातर लोग नहीं लिखते। तुम्हारा इंटरेस्ट फुटबॉल है क्या? देखा, तो इन्होंने अपने इंटरेस्ट से एग्जांपल बनाया। तो मेरे एथिक्स के पेपर में अगर मैं 10 एग्जांपल लिख रहा हूँ, मान लो 10 क्वेश्चन में, तो 4 क्वेश्चंस में मैं क्रिकेट लिखता हूँ। मैं क्रिकेट फ्रीक हूँ बेसिकली, तो मुझे क्रिकेट इतना मतलब है कि मैं किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ क्रिकेट को। क्वेश्चन आया था कि कौन सा लीडर है जिसकी लाइफ से, जिसकी लर्निंग से तुम इंस्पायर होते हो, उसकी टीचिंग्स का एक जिस्ट लिखो। 14 या 15 में आया था क्वेश्चन ये। तो अब हर कोई महात्मा गांधी लिखेगा या विवेकानंद लिखेगा, क्लिशे एकदम। मैंने MS धोनी लिखा था उसमें, और उसके इतने हैं लिखने को, टीचिंग्स का जिस्ट, वो शीट कम पड़ जाएगा, 2-3 पेज कम पड़ जाएगा, और बड़े आराम से तुम लिख सकते हो, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब मैं सबको ये नहीं कहूँगा आप क्रिकेट में डेवलप करो इंटरेस्ट, वो मैकेनिकल हो जाएगा। आपकी जो हॉबी हो, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, उसमें आपको खुद देखना है कि आप एथिक्स में उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, उससे होगा क्या, आंसर इनोवेटिव हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर को भी एकदम से कुछ नया मिलेगा। मान लो तुम्हारी हॉबी बैडमिंटन है, तो तुम साइना नेहवाल के बारे में लिख रहे हो या सिंधु के बारे में लिख रहे हो, अभी जो रियो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसके बारे में तुमने लिख दिया उसमें, तो वहां से तुम्हारे को एकदम इफेक्टिव होगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स इन जनरल, देखो एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ सिखा सकता है लाइफ में। फिजिकल फिटनेस तो अलग चीज है जो स्पोर्ट्स से होती है, बाकी हर चीज आपको स्पोर्ट्स सिखा सकता है। आप ओलंपिक्स में से कितने एग्जांपल लिख सकते हो? परसिवेरेंस का क्वेश्चन आता है मान लो कभी, तो ओलंपिक्स में हुआ था, अगर आपको रेस याद हो, फीमेल रेस थी शायद, तो उसमें वो गिर गई थी दौड़ते हुए, 1000 मीटर की रेस थी या जितने भी मीटर की, वो वर्ल्ड चैम्पियन है, गिर गई थी दौड़ते हुए, उसका एक शू भी उतर गया था शायद, स्टिपल चेस में भी हुआ था, शू उतर गया था, फिर भी वो दौड़ती रही एक शू उतरने के बाद भी, या गिर गई जैसे जो, फिर भी वो दौड़ती रही उठने के बाद। एक एग्जांपल था जो
जिसमें लाइन को क्रॉस करने के लिए जंप मार दी थी एथलीट ने, ठीक है। तो ऐसे रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं स्पोर्ट्स से, वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं थिक्स में, आपको लिंक करना आना चाहिए। तो वो कैसे होगा, आपको जब भी प्रिपेयर कर रहे हो सिलेबस का जो भी टर्म देख रहे हो, तो उस समय आप सोच लो एग्जांपल, जैसे सोशल इन्फ्लुएंस पे, अब ये किस्मत कह लो या जो भी, मैं हमेशा सोचता था स्वच्छ भारत, और 2016 में जो क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत कैसे हेल्प हो सकती है, स्वच्छ भारत में सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन से, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करो, करंट से रिलेट करो, बाकी ये चीज है एक, थोड़ा झूठ लिखना होता है एथिक्स में शुगर कोट करके। देखो GS4 में मार्क्स लाना इज नॉट अबाउट बीइंग एथिकल सैडली, लेकिन ये ट्रूथ है। तो आपको GS4 है क्या, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये एक वो पेपर है जहां आपको मौका मिला है लिखने का, तो आप कितनी अच्छी तरह से खुद को सेल कर रहे हो उस 250 मार्क्स के लिए, वो डिसाइड कर सकता है आपके मार्क्स, ठीक है। तो थोड़ा शुगर कोट करके आपको झूठ लिखने पड़ेंगे। जैसे 2014 का पेपर था, पहले ही क्वेश्चन जो मैंने आपको हैप्पीनेस वाला बताया, तो मैं काम करता था पहले, एक्सेंचर में था मैं, एक्सेंचर बैंगलोर में, एक साल मैंने काम करा था 11 से 12। तो 14 के पेपर में मैंने उसमें लिखा कि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल राइट नाउ, और मैं सिविल्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम सेटिस्फाइड विद माई डेज एफर्ट, देन दैट एफर्ट ड्राइव सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस फॉर मी, ठीक है। तो बंदे को क्या लगे एग्जामिनर को, चलो कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मैं श्योर शॉर्ट तरीके से नहीं कह सकता कि इसके मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को एज अ वर्क एक्स वाला बंदा मैं सेल कर रहा हूँ खुद को कि हाँ मैंने कहीं काम करा है, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए एथिक्स को, ठीक है। दूसरा, आपको ये लगता है क्या कि ऐसा एग्जांपल इफेक्टिव होगा जो ये किसी तरह प्रूफ कर दे कि आप ऑलरेडी सर्विस में हो, ठीक है, या आप इंटरव्यू दे चुके हो, हो सकता है उसका कुछ एडवांटेज हो एथिक्स में। अगेन मैं श्योर शॉट नहीं हूँ इसके लिए, ये बस वो ट्रिक्स हैं जो मैंने ओवर द ईयर्स यूज़ करी हैं, और ये आपको पहले ही क्वेश्चन में यूज़ करना है। मान लो एज एन एग्जामिनर मेरा थोड़ा सा बायस है, ठीक है, हो सकता है, ह्यूमन है भाई, बायस होना नेचुरल है, तो हो सकता है एग्जामिनर को बायस हो कि अगर उसने सोच रखा यार कोई सर्विस से अगर बंदा होगा तो हो सकता है वो उसे +5 +10 दे, हर क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स ही ज़्यादा दे दे, 0.5 मार्क्स भी अगर ज़्यादा देते तो आपके पेपर में 10 मार्क्स ज़्यादा हो गए। इस बार मेरा IAS 12 नंबर से छूटा है, IFS 2 या 3 नंबर से छूटा है, तो ये जो एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है ये अभी समझ नहीं आती, ये जब फाइनल लिस्ट आ जाती है तब समझ में आती है। तो हो सकता है वो आपको हर क्वेश्चन में 0.5 एक्स्ट्रा दे दे अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो सर्विस में। तो आप अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि मैं IPS हूँ या मैं IRS हूँ, हो सकता है बंदा चेक कर ले जाके निकलवा ले, तब तो गए नंबर। तो आप सटल वे में कैसे लिख सकते हो, आप ऐसा लिखो, मैं हमेशा ये लाइन लिखने की कोशिश करता था पेपर में कि लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट फॉर UPSC मेडिकल। तो इससे क्या क्लियर हुआ बंदे को, एग्जामिनर को, कि यार इसने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। या जैसे मैं इस बार, अब ये तो ट्रूथ है, मैंने यूज़ करा है बस उसे, मैं नेशनल पुलिस अकेडमी में था जहाँ मेरे को इंजरी हुई थी, तो मैं इंजरी को भी मैंने अपने यूज़ करा है अपने एडवांटेज के लिए एथिक्स के पेपर में। तो मैंने उसमें लिखा कि मैं जब इंजर्ड हुआ, जब मैं नेशनल पुलिस अकेडमी में था, तब बंदे को इम्प्लिसिट क्या हो गया कि ये है सर्विस में, इसको IPS रैंक मिली हुई है, ठीक है। तो उसका मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव होगा, अगर कोई चांस है उसका तो पॉजिटिव होने का ही चांस है। तो इसलिए स्कूल और फैमिली हटा दो, उसके अलावा बहुत एग्जांपल्स हैं देखो लिखने के, ठीक है। ये पक्का अपने दिमाग में बिठा लेना, ये वाला पॉइंट, ये किसी तरह मिस नहीं होना चाहिए।
अच्छा एक पॉइंट और, थ्योरी में मैं भूल गया, कोई कभी ये मत करना कि आप सिर्फ अपने रिलीजन बेस्ड एथिक्स जो है उसी को कोट कर रहे हो। मान लो मैं जैन हूँ तो मैं सिर्फ जैनिज्म ही कोट कर रहा हूँ पूरे पेपर में, ठीक है, वही बात है, फिर हो सकता है एग्जामिनर का बायस हो, तो आपको एज सेकुलर एज पॉसिबल बनाना है। तो मैं क्या करता था, जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, इतना अलाउड है करना, मैं रूम में बैठ गया हूँ, मैं कोई फरले लेकर नहीं गया हूँ, कुछ नहीं, मेरे माइंड में जो कीवर्ड्स हैं, मैं रूम में एंटर होने से पहले 30 कीवर्ड्स की जो मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे लिस्ट बना लो, मैं 30-40 कीवर्ड्स देख लेता था एक और बार रूम में जस्ट एंटर होने से पहले। जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है, जाते ही मैंने क्वेश्चन पेपर पे वो 30 कीवर्ड्स लिख दिए, ठीक है, और उनको अपने सामने रखता हूँ आंसर लिखते हुए। आपने एक कीवर्ड उसमें से लिख दिया, मान लो जैनिज्म, जैन एथिक्स, उसको स्ट्राइक आउट कर दो ताकि वो रिपीट ना हो। दूसरा फायदा क्या हुआ, आपके पेपर में 30 या 40 कीवर्ड आ जाएंगे श्योर शॉट अगर आपने लिखे हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये आपको करने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आप अपनी नॉलेज से लिख रहे हो, क्वेश्चन पेपर पे लिख रहे हो, अलाउड है। तो ये जरूर करना है, बहुत इफेक्टिव होता है, और इससे ये हो जाएगा कि आपका सेकुलर रहेगा थोड़ा, कि एक आपने लिख दिया बुद्धिस्ट एथिक्स से, एक इस्लामिक एथिक्स हो गया, एक जैनिज्म हो गया, एक बाइबल से लिख दिया, और हिंदू हो गया, गीता, महाभारत। गीता कोट करना बहुत अच्छा रहता है पेपर में। जैसे मान लो एथिक्स का ही डेफिनेशन आ गया 2013 में आया था, व्हाट इज एथिक्स, अब हर कोई रटा हुआ लिख देगा यार उसमें, एथिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस, दैट मीन्स फेथ बिलीफ थॉट्स एंड ऑल, वो क्लीशे डेफिनेशन है। महाभारत में उसके लिए आत्मना प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरे, उसको ये लिख दो, उसका मतलब होता है डू नॉट डू अनटू अदर्स विच यू कैन नॉट बी डन बाय, कि आप दूसरों के साथ वो ना करो जो आपको खुद अच्छा ना लगता हो। सो दिस प्रिंसिपल क्रिस्टाइन्स द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, एकदम यूनिक है, अलग है, एग्जामिनर को भी कुछ नया मिलेगा। तो जितना इनोवेटिव हो पाओ वो होना है अपने एथिक्स में, ये याद रख लो, आपको इनोवेशन दिखानी है एथिक्स में। पांच पॉइंटर्स हो गए, इंट्रो, कीवर्ड्स, आंसर बॉडी, पैरा, पॉइंट्स, थ्योरी, एग्जांपल, ये सब हो गया। अब पेपर में क्या होता है, कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लिखा होता है कोट विद एग्जांपल, अगर वहां लिखा है एग्जांपल तो आप दो एग्जांपल्स दो, अगर वहां एग्जांपल्स लिखा है तब भी आप दो दो, तीन मत दो फिर, और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा है एग्जांपल देने को तब आप एक एग्जांपल जरूर दोगे उसमें। एथिक्स में इम्प्लिसिट है कि आपको एग्जांपल लिखना ही लिखना है, ठीक है, ये गांठ बांध लो दिमाग में कि आपको एग्जांपल लिखना है। ये सब लिखने के बाद आता है डायग्राम, मैं आपको वो डायग्राम बताऊंगा जो मैं 2014 या 13 जब भी वो हैप्पीनेस का क्वेश्चन आया था मैं उसमें बनाकर आया था, मैं इसमें कुछ फेक नहीं कर रहा, ये मैंने सही में बनाया था। मैंने क्या आंसर बोला था उसका आपको, डेज एफर्ट से मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं, मैं ये बनाकर आया था, ठीक है। मुझे वहां बनाते हुए भी डर नहीं लग रहा था कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं इमोजी बना रहा हूं इस पे, कुछ डर नहीं लग रहा था। कर सकते हो आप, ये आपको जितने कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले हैं ये अप एंड डाउन सिंबल लगाने से भी मना कर देते हैं, क्रॉस कर देंगे, कुछ नहीं है ऐसा, आप डायग्राम में लिख रहे हो। ये मैं नॉर्मल रनिंग आंसर में थोड़ी कर रहा हूं, ये मैं डायग्राम में कर रहा हूँ, डायग्राम में मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अपने व्यूज़ को। तो डायग्राम में आप दो तीन तरीके के डायग्राम हैं जो एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। एक तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम, जो आपने क्वेश्चन में लिखा है उसी को आप डायग्रामेटिकली डायग्राम में दिखा रहे हो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है सेवन सिंस जैसे था क्वेश्चन, तो सेवन सिंस किसी को पता है अभी,
उसमें जैसे एक होता है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है, कॉन्शियस प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, ऐसे करके होते हैं। तो अब मुझे उस पर अगर कुछ लिखना है, डिस्कस करना है, तो मैं एज एन एग्जांपल लिख दूंगा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, वो साइंस की वजह से बने हैं और ह्यूमैनिटी की कहीं ना कहीं कमी है इसलिए वो बने हैं। तो उससे कोई सोसाइटल गुड नहीं हो रहा। कम्युनिटेरियनिज्म एज अ प्रिंसिपल इज नॉट सर्व्ड, इट इज़ ड्रिवन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड नोन एज अ कुशल कम एज गिवन बाय बुद्धिज्म। तो ये मेरी देखो थ्योरी आ गई, ठीक है, एग्जाम्पल आ गया करंट से एकदम। अब मुझे उसको डायग्राम बनाना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, साइंस है, फिर मैं ऐसे बना दिया ह्यूमैनिटी है या नहीं, ठीक है, उसके बाद आप लिख दो जो भी है कि विदाउट ह्यूमैनिटी ये सिन है और विद ह्यूमैनिटी ये, लिख दो कुछ भी आगे, सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक हो गया ब्लॉक डायग्राम। अब ये हर क्वेश्चन में नहीं बन सकता, कुछ क्वेश्चंस होते हैं सीधा लिस्ट आउट करना होता है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का जो इस बार क्वेश्चन था, हाउ यू विल इंप्लीमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। मान लो आपने 6 पॉइंट लिख दिए, वही वाली बात जो मैंने पहले बोली। अब 6 पॉइंट लिखने के बाद आपको मेन पॉइंट याद आया, तो आप बीच में तो लिख नहीं सकते उसे, कहीं फ्लो ब्रेक नहीं कर सकते आंसर का, तो आप उसमें ऐसे वो हब एंड स्पोक वाला बना दो। इसमें केयरफुल रहना, मैं हर बार इसमें गलती करता हूँ, मैं ये सर्कल बना के स्पोक्स बना देता हूँ पहले ही, और फिर मुझे पॉइंट्स याद नहीं आते कि मुझे क्या लिखने हैं। इसमें 2 पॉइंट्स तो याद हैं, फिर मुझे आंसर से रिपीट करने पड़ते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप जो पॉइंट आपको याद है तब आप स्पोक बनाओ, ठीक है। अब उसमें ये मत बोलना कि यार सिर्फ 3 स्पोक बनाई हैं, कैसा लग रहा है, ठीक है, 3 भी बनाई हैं चलेगा, बंदे को डायग्राम से मतलब है, आपने डायग्राम बनाया, एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, 2 हो गए। तीसरा एक क्वेश्चन आया था इसी बार था शायद, कि यंग पीपल जो हैं वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कैसे करोगे। अब ये इतना अजीब क्वेश्चन है, ये अप्लाइड एथिक्स का क्वेश्चन है एकदम। आप मोटिवेशन के 10 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन आपको एथिक्स से लिखने हैं पॉइंट, एथिक्स के कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, सिलेबस यूज़ करना है। अप्लाइड एथिक्स आया इसमें समझ, ठीक है, वो ट्रिकी पार्ट है बहुत अप्लाइड, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो वहाँ बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा अपने माइंड को अभी ट्रेन कर लो, जहाँ 2 चीज़ें आएंगी, जैसे इम्पार्शियलिटी वर्सेस नॉन पार्टीजनशिप, या इंटीग्रिटी वर्सेस ऑनेस्टी, मॉरल्स वर्सेस एथिक्स, एथिक्स वर्सेस लॉ, पॉलिटिक्स वर्सेस एथिक्स। तो आप उसमें ये बनाओगे वेन डायग्राम, सिंपल। इसमें आपने पॉलिटिक्स दिखा दिया, इसमें एथिक्स दिखा दिया, यहाँ बोल दो कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं साथ में। एग्जाम्पल इसको ऐसे गांधी जी लिख दो यहाँ पे, इनको कोई डिनाई कर नहीं सकता, सेफ एग्जाम्पल है एकदम, ये लिख दो इसमें। सिर्फ एथिक्स है अगर कोई, अगर आपके माइंड में है कुछ एग्जाम्पल उस समय, तो वहाँ एरो मार के लिख दो, सिर्फ पॉलिटिक्स है वो लिख दो, ठीक है। 2 तरीके हो गए, ब्लॉक डायग्राम, हब एंड स्पोक, तीसरा हो गया वेन डायग्राम, यही है, 3 ही है। ज़्यादातर ब्लॉक डायग्राम ही बन पाता है, ठीक है। लास्ट आता है कंक्लूजन, कितने लोगों को लगता है कि कंक्लूजन लिखने के मार्क्स मिलते हैं, कंक्लूजन लिखने के मार्क्स नहीं है, कंक्लूजन ना लिखने के मार्क्स पक्का कटेंगे। कंक्लूजन आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिला रहा, वो आपके मार्क्स कटने से बचा रहा है। होता क्या है, टाइम, वही टाइम की बात है, अगर टाइम कम बैठ रहा है, अब हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, हम सेटिस्फाइड है, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे जाना है, तो जंप कर जाते हैं, कंक्लूजन नहीं लिखते। यार सिर्फ एक लाइन लिख दो, हेंस पॉलिटिक्स कैन सर्वाइव विद एथिक्स, बस इतना ही लिख दो, और कुछ ज़रूरत नहीं है, हेंस करके जो भी आगे,
एक दो या तीन लाइन का कंक्लूजन मस्ट है, ये हर पेपर के लिए जीएस 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल, सब में कंक्लूजन जरूर लिखना है वरना मार्क्स कटेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसी भी आंसर लिखने से पहले। अब क्या करोगे आप, इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है, एक दिन में अप्लाई नहीं होगा, ये मुश्किल है थोड़ा, तो इसको याद कर लो पहले, इस स्ट्रक्चर को एथिक्स पढ़ लो, नोट्स बना लो, उनको 3-4 बार पढ़ लो, फिर ट्रेंड्स एनालाइज कर लो पिछले 4-5 साल के, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये 7 पॉइंट्स एक स्टिकी नोट लो और अपने पेपर के ऊपर लिख दो, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उससे आपके दिमाग में ये इंग्रेन हो जाएगा कि यार मुझे हर क्वेश्चन में ये 7 जो हेड्स हैं ये होने चाहिए। मैं हमेशा करता था टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में जाते ही ऊपर एक तो मैंने जो आपको बताया, मैं 30-40 कीवर्ड्स जो हैं वो लिख देता था, और हर जीएस का जैसे मैंने अलग अलग फॉर्मेट बना रखा है कि हिस्ट्री में मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा आंसर का, पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योग्राफी, सोशियो, सबका अलग स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर मैं उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख देता था ताकि मैं अक्रॉस द क्वेश्चंस फॉलो कर पाऊँ। ठीक है, ये हैबिट बना लो, स्ट्रक्चर लिख लिया करो। ये आपका सेक्शन ए हो गया, केस स्टडी के लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करते नहीं है क्योंकि इसका कुछ अलग बुक तो है नहीं केस स्टडी की, जो पार्ट ए है वही थ्योरी है पूरा, वो पढ़ते रहते हैं, तो केस स्टडी आ जाती है 120 मार्क की या 130 की बराबर की, और इसके लिए मेहनत करी नहीं, मेहनत सिर्फ पार्ट ए के लिए करी है, और उसमें भाग भाग के क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन में हाउ पूछा है या व्हाट पूछा है वो भी नहीं देखा, तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर एफर्ट करना है पूरे साल में। सिंपल फॉर्मेट है, मैं पहले फॉर्मेट पूरा लिख देता हूँ, एक्टर्स इन्वॉल्व्ड, डिलेमा, आंसर बॉडी, थ्योरी, डायग्राम, कंक्लूजन, ये इसके लिए भी डायग्राम बहुत इफेक्टिव रहेगा, और इस पर तो आसानी से बन जाता है क्योंकि केस में तो आपको केस मिला हुआ है ना, उसमें कुछ ना कुछ डिलेमा है, तो ब्लॉक डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा, येस या नो वाला जो है आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे इस बार क्वेश्चन था कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको एक्सीडेंट देखा है और वो क्रिटिकल है, दो जने हैं, मदर और डॉटर थे शायद उसमें लिखा हुआ, फिर आपको ये पता चला वो आपके रिलेटिव्स भी हैं, तो आपका एक्शन क्या होगा, तो उसमें सिंपल आप बना दो कि मैं ऐसे लिख दो हेल्प, फिर वो आ गया येस या नो, फिर अगर हेल्प करी तो जो आपने केस में लिखा है कि मैं हेल्प क्यों करूँगा, वो पॉइंटर्स आ गए यहाँ पे, उसमें से एक भी कोई पॉइंट लिख दो कि मैं हेल्प करूँगा तो उससे ये चीज़ हो जाएगी। लास्ट में ऐसे लिख दो कि मेरे जो एथिक्स हैं एरो बना के वो मैंने अपहोल्ड करे हैं इसमें, ठीक है, मेरे जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो मैंने अपहोल्ड करा ये काम करके। फिर नो लिख दो अगर, तो उसमें ऐसा लिख दो कि अगर मैंने हेल्प नहीं करी और मैं इंटरव्यू देने चला गया तब मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाएगा, एक है थ्योरी इसमें नोअर डूअर स्प्लिट दयानंद सरस्वती की, एथिक्स में पढ़ोगे कि उसमें क्या होता है, बंदे को पता है कि जैसे एग्जांपल ले लो स्मोकिंग का कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, तो हो सकता है उसे कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो अपने अंदर ही कि यार मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गई, तो वो एक होलिस्टिक लाइफ नहीं जी सकता, तो यहाँ नो करके लिख दो कि हो सकता है उससे मेरा इंटरव्यू ही स्पॉइल हो जाए कि मैं अपने एथिक्स के अगेंस्ट जाके कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायग्राम बड़े आसानी से बन जाते हैं। अब ये देखो क्या है,
एक क्वेश्चन मुझे कोरा पे बहुत आता है कि आप फर्स्ट पर्सन यूज़ करोगे या नहीं करोगे। मैं करता हूँ हमेशा, मैंने चार मेंस लिखे, मैंने चारों में यूज़ करा है मी करके। यार क्वेश्चन में क्लियर लिखा है यू, यू आर एच ओ डी या यू आर डायरेक्टर, यू आर डी एम, तो मैं मी लिखूँगा ना, आप ज़बरदस्ती उसमें थर्ड पर्सन लगाओगे ना तो आंसर बैठेगा नहीं ठीक से, वो फ्रेम नहीं हो पाता है बीच बीच में, जो स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो मी करो, कोई टेंशन नहीं है। नेट चल रहा है किसी का? मुझे केस स्टडी बता दो, रीड आउट करो, मैं अपना जो ये फॉर्मेट है उसका लाइव तुम्हें डेमो दे दूंगा कि मैं कैसे डिवाइड करता हूँ केस को। नहीं यार, जो क्वेश्चन आया हो वो क्वेश्चन आया था कि गर्ल्स गो टू स्टडी इन स्कूल। एक मिनट, क्वेश्चन पूरा अगर किसी को एक मिल जाए। एक मिनट बताओ, जोर से रीड आउट कर दो। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। यू आर पोस्टेड एज अ डीएम इन अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। योर डिस्ट्रिक्ट सफर्स फ्रॉम सोशली बैकवर्ड प्रॉब्लम्स लाइक चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी एटसेट्रा। वन डे अ गर्ल ऑफ अबाउट 18 इयर्स हु इज वेल एजुकेटेड कम्स टू यू एंड इन्फॉर्म्स यू अबाउट हर नेबर्स हु आर गेटिंग देयर डॉटर मैरिड एट एन एज ऑफ 15 इयर्स। She tells you that she tried to convince her parents but was unsuccessful. You immediately reach the spot of marriage. You see that all the preparation have been made. When you talk to the family, you come to know that the family is not well educated and thinks that girls should be married early, as it's a common practice in the whole village and they cannot go away. Given below are some options, discuss them with the merits and demerits. Also suggest which course of action would you take in life. ठीक है, ये एक्टर्स इन्वॉल्व थे। हाँ, वो डिलेमा है। अच्छा, ये एक्टर्स इन्वॉल्व है, मैं एज अ डीएम, गर्ल 18 इयर्स, नेबर्स, उसके पेरेंट्स। विलेज को आप एक एक्टर बना सकते हो, विलेज एक्टर है इसमें बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेट्रियार्की है। आपको कहीं ना कहीं आगे आंसर में ज़रूरत पड़ेगी विलेज एज एक्टर की। डिलेमा, सोशल इविल जो आपने बताया, चाइल्ड मैरिज वगैरह वगैरह, प्रिपरेशन हो चुकी है। अब ये लाइन लिखी है अगर क्वेश्चन में तो इसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होगी। हर लाइन जो क्वेश्चन पेपर में आई है उसकी इम्पोर्टेंस होती है। हम ये नहीं मान सकते कि यार प्रिपरेशन हो गई है ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये नहीं कर सकते। तो वो भी एक डिलेमा है। एजुकेशन पेट्रियार्की एक इम्प्लिसिट डिलेमा है। हर क्वेश्चन में दो तरीके के डिलेमास होते हैं, एक तो जो क्वेश्चन में मैंशनड है एक्सप्लिसिटली, एक है इम्प्लिसिट जो आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करना पड़ेगा, उससे आपके आंसर में डेप्थ आती है, मार्क्स भी उससे मिलेंगे, डेप्थ भी उससे आएगी। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये दो चीज़ें लिखनी ही लिखनी है। 2014 का क्वेश्चन था जैसे, शायद एनवायरमेंट एथिक्स पे क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंट एथिक्स, और कोई एक करंट एनवायरमेंट इशू लो उससे एक्सप्लेन करो। तो उसमें भी मैं एक्टर्स इन्वॉल्व लिखकर आया था, मैनकाइंड वर्ल्ड, मैनकाइंड ह्यूमन, एनवायरमेंट डिलेमा में उसमें लिख कर आया था, इकोनॉमी डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सर्वाइवल, ये सब डिलेमा हो गए उसमें। कुछ भी हो क्वेश्चन आपको ये जरूर लिखना है। लोग इंट्रो लिखते हैं केस स्टडी में, मेरा इंट्रो ये होता है, एक्टर्स इन्वॉल्व इन डिलेमा, मैं और कुछ नहीं लिखता उसमें, फिर मैं सीधा आंसर बॉडी पे आ जाता हूँ। आंसर बॉडी क्या है, आपको कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार जो केस स्टडीज थी, छः केस स्टडीज, छः की छः अलग, तो पहले में उन्होंने चार पॉइंट दे दिए थे अपने आप ही,
एक केस दिया, उसके चार चीज़ें दे दी और फिर लिखा है कि सबके मुझे मेरिट डिमेरिट बता दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि आपके केस दे दिया, आपको सॉल्यूशन बताना है और सॉल्यूशन के साथ आपको सबका मेरिट डिमेरिट बताना है, दो तरीके हो गए। तीसरा उसने बोला था जनरल एक केस के वो एक्सीडेंट वाला यूपीएससी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके स्टेप्स क्या होंगे। एक केस स्टडी हमेशा किसी ना किसी लॉ पे आती है, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट पे आई हुई है, इस बार आरटीआई पे थी, तो ये लॉज भी हमें सेक्शंस थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चार तरीके की केस स्टडी हैं। आंसर बॉडी आपकी वही जॉब जो केस है उस पर डिपेंड करेगी। अगर मेरिट पूछा है, मेरिट डीमेरिट, तो दो मेरिट दो डीमेरिट, चार पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप अगर पांच डीमेरिट पांच मेरिट सोचने पे आ गए तो क्वेश्चन नहीं होगा। काफ़ी लोगों की दो दो केस स्टडी छूट जाती है, खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो टाइम बचाते हुए अगर मेरिट डीमेरिट पूछा है, दो मेरिट दो डीमेरिट, चार पॉइंट्स हैं। जैसे फिर ऐसी जो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको खुद सॉल्यूशन देना है पहले, पार्ट ए वो हो गया 10 मार्क सॉल्यूशन, पार्ट बी, पार्ट ए 7 मार्क्स कर लो चलो सॉल्यूशन, पार्ट बी होता है कि दोनों सबका अपना मेरिट डीमेरिट दो, फिर लास्ट होता है उसमें कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमेशा ये फॉर्मेट लगाना, पहला एकदम दे दो जो कि बेकार सॉल्यूशन है कि करप्शन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तुमने अपने सीनियर को बता दिया है, सीनियर ने भी मना कर दिया है कि कोई एक्शन नहीं लोगे, तुम्हारे को अब जॉब थ्रेट है ये वो, तुम लेकिन एथिकली बहुत साउंड हो, तो तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो पहला लिख दो मैं चुप रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, बहुत आसान बेसिक लिख दो। अब इसका डीमेरिट मेरिट तुम्हें अगले में पूछा जाएगा, तुम बड़े आसानी से लिख सकते हो। दूसरा लिखो जो थोड़ा उसमें गलत हो, ठीक है, और ज़्यादा राइट हो वो, कि मैं विसल ब्लो कर दूंगा ऑर्गेनाइजेशन में सीधा, ये सॉल्यूशन लिख दो। तो वो क्या है, वो कम्प्लीटली करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है तुरंत विसल ब्लो कर देना, लेकिन उसके कुछ इम्प्लिसिट एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन तुम्हारा होना चाहिए जिसमें लार्जर गुड सर्व हो रहा हो, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, बस ये तीन लिखो। लोग पहले पांच लिखते थे, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स भी प्रिस्क्राइब करते थे कि पांच स्टेप्स लिखो, लेकिन फिर यूपीएससी अगले स्टेप में सबका मेरिट डीमेरिट पूछने लग गई। अब पांच का मेरिट डीमेरिट लिखना, फिर आइडियल सॉल्यूशन बताना, बहुत टाइम लग जाता है। एक केस स्टडी के लिए हमारे पास 14 मिनट्स होते हैं आइडियली। अगर आप शुरुआत का जो सेक्शन ए है उसमें 13 क्वेश्चन आए हैं, हर क्वेश्चन को आप 7 मिनट्स में कर लोगे तो 91 मिनट्स चले गए, फिर आपके पास 89 मिनट्स बचते हैं केस स्टडी के लिए। 6 केस स्टडी 89 मिनट्स, मतलब 14 से 15 मिनट्स। फिर भी जो लास्ट केस स्टडी आती है हमेशा सबके साथ होगा लगभग, कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं, 5 मिनट में आपको केस पढ़ना है और पूरी केस स्टडी लिखनी है। और फिर मान लो वो ऐसी कंफ्यूजिंग केस स्टडी हो जो इस बार आरटीआई वाली थी, जिसमें समझ नहीं आ रहा बंदा चाह क्या रहा है पूछना और तुम्हें लिखना क्या है, तो बहुत गलत हो जाता है। मेरे साथ यही हुआ था, मेरे पास कम टाइम बचा था इस बार भी और मुझे केस स्टडी समझ ही नहीं आई थी कि लिखना क्या है इसमें। तो इसलिए यहाँ पे टाइम बचाना है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखने हैं, तीन स्टेप लिखे। तीसरा स्टेप ऐसे दे दो जो लगभग ठीक हो लेकिन होलिस्टिक ना हो। फिर वो अगला पार्ट क्या पूछता है, मेरिट डीमेरिट, सबके तुमने दो दो बता दिए। थर्ड पार्ट होता है एक होलिस्टिक सॉल्यूशन दो। तो होलिस्टिक के लिए बेस्ट है इन तीन सॉल्यूशंस को यूज करके ही तुम एक सॉल्यूशन बना दो। जो तीन स्टेप्स तुमने दिए उसको यूज करो, एक स्टेप बना दो, बोल दो दिस इज होलिस्टिक सॉल्यूशन। अब ये दो चीजें जो हमने लिखी थी, एक्टर्स और डिलेमा, आपका जो आंसर बॉडी होगा हर पॉइंट में या हर पैरा में एक ना एक एक्टर या एक ना एक डिलेमा लिंक हो। अगर कोई आपने ऐसा पॉइंट लिखा है जिसमें आपने एक्टर को एड्रेस ही नहीं करा है या डिलेमा एड्रेस नहीं करा है, तो वो आप भी समझते हो वो केस से रिलेटेड पॉइंट ही नहीं है, मतलब, ठीक है। तो ये लिखने का फ़ायदा यही है कि आप इसको आंसर बॉडी में यूज़ करोगे,
एंड आप डाइग्रेस नहीं होगे अपने केस से, आपका हर पॉइंट किसी ना किसी एक्टर या किसी डिलेमा को एड्रेस करेगा, तो केस में मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। अगर आपका हर पॉइंट, मान लो आपने 5 पॉइंट लिखे हैं और 5 कोई ना कोई एक्टर और डिलेमा है, तो एग्जामिनर को भी ये लगेगा यार ये ट्रैक पे है बंदा, ठीक है, आप ट्रैक लूज नहीं करोगे। थ्योरी, आपने मान लो 5 पॉइंट लिखे हैं, स्टेप्स पूछे हैं जैसे उसने कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको वो मिल गया, आप क्या करोगे, आपने कुछ स्टेप्स लिख दिए, तो उनमें से कम 2 स्टेप्स को आप थ्योरी से लिंक कर देना। थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करनी है, जो सेक्शन ए में जैसे मैंने बोला आपको सिर्फ ये लिखना है पासिंग रेफरेंस में कि मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, दिस इज़ इन लाइन विद वर्च्यू एथिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एरिस्टोटल, कैरेक्टर बेस्ड एथिक्स, कि मेरे कैरेक्टर्स, मेरी वैल्यूज इतनी साउंड हैं कि मैं ये काम करूँगा। या आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी आई है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डियोन्टोलॉजी से बढ़िया कुछ नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता देता हूँ, डियोन्टोलॉजी मतलब होता है ड्यूटी, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, कि जो तुम्हारी ड्यूटी है वो तुमने करा है, दैट इज एथिक्स फॉर यू, दैट एक्शन इज एथिकल इफ इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर ड्यूटी। तो तुम्हारी अगर ड्यूटी है, तुम विसल ब्लोअर हो, तो तुम विसल ब्लो करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो लाइन लिख देना आगे, दिस इज इन लाइन विद डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स। तो कम से कम 2 थ्योरी आ जानी चाहिए केस में। बाकी जो आपके पॉइंट्स में सिलेबस के कीवर्ड्स आ रहे हैं वो तो अलग है, वो आने ही है, कम से कम 4 या 5 कीवर्ड्स, ठीक है। डायग्राम मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। कंक्लूजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केस स्टडी में। सेक्शन ए में चलो एक बार को तुम मिस कर दो कंक्लूजन, केस में तुम कर ही नहीं सकते। इसके लिए लाइन एक रट लो, उसके सिनोनिम अपने आप बना लेना 6। इसमें है द अबव मेंशनड स्टेप्स, मैं एक बार में बोल देता हूँ फिर लिख लेना, द अबव मेंशनड स्टेप्स एड्रेस ऑल द एक्टर्स एंड डिलेमास गिवन इन द केस, हेंस इट इज अ होलिस्टिक सॉल्यूशन। देखो ये लाइन लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर एग्जामिनर को लग भी रहा होगा कि यार इसने पर्टिकुलर एक एक्टर जो है, मान लो तुमने गलती से विलेज मिस कर दिया था, या मान लो तुमने प्रिपरेशन मिस कर दी, एग्जामिनर को पता चल गया, फिर भी तुम एंड में एक बार लिख रहे हो ये अपने तरफ से, मैथ्स में नहीं आता था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ज़बरदस्ती हम कई बार लिख देते थे क्वेश्चन में, तो वही यहाँ पे करना है। एग्जामिनर को अगर लग भी रहा होगा कि ये बंदा ट्रैक से डिग्रेस हुआ है, तब भी वो वापस आ जाएगा अगर आपने लिखा है कि द सॉल्यूशन एड्रेसेस ऑल द पॉसिबल एक्टर्स एंड डिलेमास एंड हेंस आई थिंक इट इज़ अ होलिस्टिक सॉल्यूशन इन द गिवन सिचुएशन। ये होलिस्टिक के सिनोनिम्स और याद कर लेना, ढूंढ लेना गूगल पे। सिलेबस ठीक है, प्रिपेयर कैसे करना है, रीडिंग हो गया, अंडरलाइन हो गया, नोट्स हो गए, रिवीजन हो गया 4 या 5 बार, ट्रेंड्स एनालाइज कर लिए, केस स्टडी का फॉर्मेट बता दिया, सेक्शन ए का फॉर्मेट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मिस हो गई थी, पहले बता देनी चाहिए थी, पिछली बार के जो पेपर्स हैं उनको यूज़ करना एज आंसर्स। जैसे क्वेश्चन आया था 7 सेंस का, अब तुम्हें 7 सेंस पता चल गए, पढ़ लिए होंगे, वो तुम अपने आंसर में यूज़ कर लो अगली बार। 2017 में कोई ना कोई कोट आई होगी, एम्बिशन की कोट आई थी शायद, इस बार एम्बिशन कैरेक्टर की कोट आई थी, तो वो कोट रट लो, उसे अगली बार पेपर में यूज़ करना। तो ये अक्रॉस द ईयर्स जो कनेक्टिविटी है वो डिपेंड करता है आंसर में, बहुत अच्छी डेप्थ आती है इससे। ये चीज़ मैं ऐसे में करता हूँ, ऐसे में 8 टॉपिक आते हैं, 2 पे तुम्हें ऐसे लिखना है, ध्यान से सुनना ये चीज़, बाकी 6 लाइनें जो हैं वो मैं अपने एसेज में डाल देता हूँ उसी में, वो क्वेश्चन पेपर से उठा के। इस बार कुछ अलग ही ऐसे थे, इतना लिंक नहीं हो पाया, वरना हर बार हो जाता है लिंक, तो एग्जामिनर को क्लिक होता होगा सीरियसली में, यार इसने क्वेश्चन पेपर को भी यूज़ कर लिया, क्वेश्चन पेपर तक नहीं छोड़ा इसने,
बाकी 6 पॉइंट्स लिख दिए इसने वहाँ पे, तो वहाँ क्लिक होगा, इनोवेशन होगी, वहाँ मार्क्स मिलेंगे। अब डाउट्स पूछो, डाउट्स होंगे बहुत, और तुम्हें कुछ लगता है कुछ मिस हुआ हो एथिक्स पर से, कुछ मिस हुआ हो जो सोच कर आए हो कि ये पूछना है, बताओ। केस स्टडी में मैं देखो यही फॉर्मेट यूज करूंगा, जैसे इस बार आया था फिर मेरिट डिमेरिट बताना होता है, उसमें भी तुम्हें एक्टर और डिलेमा तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद ये आंसर बॉडी आ जाएगा। ये फॉर्मेट तो सेम है, ये फॉर्मेट सब में अप्लाई हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन टाइप हो, कुछ भी हो, मैं यही फॉर्मेट यूज करता हूँ हर केस स्टडी में। उससे फायदा ये होता है तुम्हें पहले से पता है तुम्हें क्वेश्चन देखते ही शुरू कैसे करना है। अब मान लो मैंने तुम्हें लाइव दिखाया ये, तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन रीड करने का टाइम एक ही बार मिलता है केस स्टडी का। बहुत लोग होते हैं बोलते हैं दो बार रीड करो, ध्यान से रीड करो, नहीं होता इतना टाइम। मैंने तुम्हें बताया लास्ट केस स्टडी में 5 मिनट बचते हैं ज़्यादातर लोगों के पास, तो क्वेश्चन जब तुम रीड कर रहे होंगे तो रीड करते हुए में जो एक्टर्स है जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनको तुम सर्कल से मार्क कर लेना, जहाँ तुम्हें देखे मी या गर्ल या कुछ भी नेबर वगैरह उसको सर्कल कर लिया, जो तुम्हें डिलेमा लगते हैं वो तुम अंडरलाइन कर लो तुरंत रीड करते हुए में। फिर जैसे ही क्वेश्चन शुरू हुआ तो तुम एक्टर लिख रहे हो, डिलेमा लिख रहे हो, यहाँ तुम्हें कुछ सोचना तो नहीं है, जो मैं तुम्हें सेक्शन ए में बताया जब तुम इंट्रो लिख रहे हो, कीवर्ड डिफाइन कर रहे हो, कुछ नहीं सोचना, यहाँ तुम अगली आंसर के बारे में सोच रहे हो अब ये लिखते हुए में कि मेरा क्या स्टेप होगा, सबसे पहले अपना थीम बना रहे हो, ठीक है। बताओ अभी प्री तुम दोगे 19 वाला, देखो जो उसकी टाइमलाइन है जो एक साल की प्रिपरेशन होती है उसमें एडवाइस मैं ये करता हूँ कि पहले 3 मंथ्स तुम ऑप्शनल कर लो, ऑप्शनल कर लो, प्रिपेयर कर लो, नोट्स बना लो, सिनॉप्सिस उनको रिवाइज कर लो, न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दो, नोट्स चाहे ना बनाओ न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डाल लो, और फिर जो स्टैटिक पार्ट्स हैं जीएस के जैसे एथिक्स, एसए और जीएस वन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो अब करंट बेस्ड आने लगा है, सोसाइटी बहुत करंट बेस्ड आने लगा है, तो हिस्ट्री एसए और एथिक्स पढ़ लो इस ऑर्डर में ही, फिर अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन शुरू कर दो। प्रीलिम्स के लिए तुम कम से कम 8 मंथ्स 7 मंथ्स दो, जो इस बार प्री आया है उसको देखते हुए। जनरली मैं ये एडवाइस नहीं करता हूँ कि पिछले प्री को देखते हुए तुम अगला प्रिपेयर करो, क्योंकि हर साल वो चेंज करते हैं पैटर्न, फिर भी अगर ये ट्रेंड रहा कि इतना डीप वो पूछेंगे, कंसेप्ट पूछेंगे, तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए प्री के लिए, क्योंकि मेजर चेक पॉइंट तो वही है, अगर वो नहीं हुआ तो ये सब प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। सब खुद 2013 में जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, लेक्सिकन सुबरा कुछ नहीं, मैंने गूगल से सिलेबस का एक एक कीवर्ड ढूंढ के एथिक्स का अपने खुद के नोट्स बनाए थे, क्योंकि तब 180 डेज थे प्री और मेंस के बीच में, 6 महीने थे तो इनफ टाइम था, तो पहले 90 डेज मैंने यूज़ करे थे अपना सिलेबस बनाने में, फिर 90 डेज पढ़ा था मैंने, वहीं से इनोवेशन हो गई, मेरा आंसर सबसे अलग था क्योंकि मेरे मटेरियल सबसे अलग है, ठीक है। बाकी लोग लेक्सिकन के आंसर लिख रहे थे, तो वहाँ इनोवेशन आ जाती है। यार देखो जहाँ से जो मिल जाए, जैसे मेजरली मैंने रिलाय करा था गवर्नमेंट साइट्स जो बाहर की हैं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया का या इंडिया का, हाँ ये सब जो कमिटीज़ हो गई, जीके टुडे का मटेरियल हो गया, यूनिवर्सिटीज़ की जो साइट्स हो गई प्रोफेशनल, ये मैं एक्सेंचर में था जैसे, तो वहाँ एथिक्स का एक कोर्स होता है ऑनलाइन कोर्स, उसको तो हम नेक्स्ट 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 करके पीपीटी मूव कर देते थे, तो वो मैंने अपने फ्रेंड से मंगवाई, उसमें मैंने एथिक्स पढ़ा कि भैया ऑर्गेनाइजेशनल वर्क प्लेस वर्क एथिक्स क्या होता है, वहाँ से हेल्प मिला। यार मैंने क्लास ली थी शब्बीर सर की, और फिर उनके नोट्स पूरे तो नहीं थे, वो काफ़ी टॉपिक स्किप करते हैं, फिर डायरेक्शन आईएएस जो है नीतू सिंह मैम का, उनके नोट से और शब्बीर सर के नोट से कंबाइन करके
फिर जो और टॉपिक रह गए वो गूगल से। पर किया ऐसे ही, किया ऐसे ही सब खुद अपना फॉर्मेट बना के। ज्योग्राफी यार देखो ऑप्शनल ऐसी चीज है जिसमें तुम एक बार को देख सकते हो कि तुम्हारे सीनियर ने क्या करा है, जिसके मार्क्स आए हों। तो मैंने स्टडी करा था, नाम मुझे नहीं याद जिस बंदे का था, कि आंसर स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन मटेरियल मैंने खुद बनाया। मैंने कभी सविंदर सिंह वगैरह नहीं पढ़ी उसमें। ज्योग्राफी है तुम्हारा? अच्छा एग्रीकल्चर लिया। अच्छा स्टेप है कि ज्योग्राफी छोड़ दिया। सोशियो था? सोशियो तो ठीक है यार ऑप्शनल। हाँ कॉम्पिटिशन। ज्योग्राफी में तो देखो हर साल कितने जने मेंस देते हैं। पबेड ऐसे ही है, ज्योग्राफी ऐसे ही है, अब एंथ्रो हो जाएगा, पॉल साइंस और एंथ्रो हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे उन दोनों में। सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरे व्यूज़ नहीं है, जो इस बार एंथ्रो से निकले हैं लोग जो टॉपर्स आए हैं उनके भी व्यूज़ यही हैं कि अब एंथ्रो में आगे कभी नंबर नहीं आएंगे। फिलोसफी पिछले 3 साल में मार्क्स नहीं आए हैं, बहुत कम मार्क्स हैं। एथिक्स की 12 to 15, उससे ज़्यादा का है नहीं। जो मेरा आइडिया था पढ़ाना कम, व्हाट इज़ एथिक्स बताने में कोई मज़ा नहीं है यार, तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, तुम लिखोगे भी नहीं। मैं अलाउ नहीं करता क्लास में लिखना, क्या नोट्स लेके बैठ जाओ। मेरा आइडिया जो है वो थोड़ा अलग है सर से। मेरा ये है कि मैं आपको एप्लीकेशन बताऊँगा, मैं आंसर राइटिंग पर ही फोकस करूँ 10 क्लास, मेरा तो ये मन है। सर लेकिन ये चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ एक बार, क्योंकि जो नया बच्चा आता है सर के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना पसंद है। तो दोनों का मिक्स रखेंगे, जो कंसेप्ट बेस्ड होगा जहाँ मुझे लगेगा हाँ इसको पढ़ाना ज़रूरी है वो पढ़ा देंगे, बाकी जो आंसर राइटिंग है मेजर फोकस आंसर राइटिंग पर रहेगा। इन्हीं फॉर्मेट को यूज़ करके हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो हिस्ट्री का मैं बता देता हूँ, जो ऑप्शनल की बुक्स हैं वो नॉर्मन लॉ करके क्या नाम है, वो नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़ सकते तुम। अगर वो पढ़ ली, वो कितने पेज की बुक है किसी को पता हो? हाँ 500 पेज होंगे, पढ़ लोगे एक बार, पढ़ लिया एक बार, पढ़ के याद नहीं रहेगा, नोट्स बना नहीं सकते, 4 बार रिवाइज नहीं करी तो पॉइंट्स बिल्कुल नहीं निकलेंगे, तो वो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी वेस्ट हो रही है। तो उससे बेटर ये है NCERT जो है, अर्जुन देव जो है, उसकी एक एक लाइन पढ़ लो। देखो मले पेनिनसुला का जो क्वेश्चन था वो बुक में है, 4 लाइन में है बस। स्विस कैनाल का एक बार क्वेश्चन आया था वो बुक में है, 2 या 3 लाइन में। आइजेनहोवर करके न्यू डॉक्ट्राइन करके था शायद कुछ, 1929 रिसेशन के बाद कुछ एक नया न्यू पॉलिसी कुछ आई थी, नहीं वो तो वर्ल्ड वॉर के बाद थी, 1929 के बाद एक थी, वो आया क्वेश्चन, वो बुक में है सिर्फ 2 लाइन में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बुक में 2-3 लाइन के क्वेश्चन है वो पूछते हैं, तो बंदे को लगता है यार ये तो है ही नहीं बुक में। तो की यही है, आप एक बुक पढ़ो, NCERT पढ़ो। हिस्ट्री में वैसे भी राय का पहाड़ बनाना होता है हमेशा, तो वो राय पकड़ लो, एक डॉट मिल जाए आपको तो कनेक्टिंग द डॉट्स पेपर में हो जाएगा। वेस्टर्न अफ्रीका का क्वेश्चन आया था, लीडर्स बताने थे, बुक में नाम है, लियोपोल्ड है, नुक्रमा है, काफ़ी नाम है बुक में, तो वो नाम ही लिखने हैं वहाँ पे, हो जाएगा बुक से क्वेश्चन। मैंने अपने नोट्स डाले हुए हैं ब्लॉग पे, वो देख सकते हो। देखो रिवीजन अगर 4 या 5 बार करनी है किसी भी चीज़ की, तो एक बार तो जब तुम बना रहे हो एक तो वही हो गया, फिर तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे कोई भी, तो टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट क्या होता है, पहला टेस्ट होगा हाफ सिलेबस का, इतना सिलेबस है इतने का टेस्ट होता है, फिर दूसरा टेस्ट होगा इसका, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। तो एक रिवीजन तुम्हारी पहले हो गई, एक तुम्हारी आधे पार्ट की इसमें हो रही है, एक आधे पार्ट की इसमें हो रही है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के लिए हो रही है। हर टेस्ट लिखना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पेनेशिया है इसलिए क्योंकि तुम्हें टेस्ट लिखने हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया और टेस्ट नहीं लिखे, या बिना पढ़े टेस्ट लिखे तो फ़ायदा नहीं है, पढ़ो टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर टेस्ट लिखो। तो 3 या 4 रिवीजन तुम्हारी यहाँ हो गई, एक रिवीजन तुम इसके बाद करोगे, टेस्ट लगभग 15-20 दिन पहले ख़त्म हो जाते हैं, एक रिवीजन तुम फिर उससे पहले करोगे मेन एग्ज़ाम से पहले, तो ओवरऑल 4 या 5 रिवीजन्स हो जाती हैं, बड़े आसान से हो जाती हैं सबकी। लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, हर कोई करता है 4 या 5 बार, मैंने बस ये बना रखा है कि हाँ मुझे 4 या 5 बार करनी है रिवीजन, ठीक है।
और बताओ कुछ डाउट एथिक्स का, कोई जीएस का कुछ और डाउट? आपके एसए में कितने कितने मार्क्स आए थे? यार एक बार 150 आए थे और 135 थे, इस बार भी 135 है, कम है इस बार 135, तो बहुत कम है इस बार, लोगों के 145 बहुत लोगों के आए हैं। एसए के लिए आप पूर्वा पांडे की स्ट्रैटेजी देख सकते हो, वरना विकास रंजन सर है, उनसे बेस्ट कोई नहीं है एसए के लिए। तो एक बार स्ट्रैटेजी अगर किसी की देखती हो तो अपूर्वा की देख लेना, 175 आए उसके, वो भी मैंने ब्लॉग पे डाल दी थी उससे पूछ के। ज्योग्राफी मत लेना, अगर किसी ने ऑप्शनल लेना है तो ज्योग्राफी मत लेना यार। जब तुम ज्योग्राफी में ऐसा ऑप्शनल है, जब तुम सोचोगे कि मेरे 300 आएंगे, मैं पेपर बहुत अच्छा कर कर आया हूँ, तब 190 आ जाएंगे तुम्हारे। और जब तुम सोचोगे यार पेपर तो गया, तब इस बार जैसे मुझे लग रहा था पेपर तो गया, कुछ आते ही नहीं था मुझे पेपर वन में, खासकर एकदम अजीब क्वेश्चंस थे, मेरे 280 दे दिए ज़बरदस्ती, कोई सेंस नहीं है इस बार मुझे 280 देने का। तो ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल ऑप्शनल है, एक साल ऊपर जाता है एक साल नीचे जाता है। सेफ बेट ऑप्शनल वो होते हैं जो कंसिस्टेंट हो, चाहे उसमें हाई स्कोर ना रहो। मेरा आइडिया हमेशा ये रहता है कि अपनी जीएस इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, 426, 387, 463 ऐसे मार्क्स ले आओ कि तुम्हें ऑप्शनल पे ज़्यादा रिलाय ना करना पड़े। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम है मेरे साथ जो मुझे कॉस्ट करी, तुम्हें आईएएस तुम्हारा ऑप्शनल ही बनाता है। जितनी रैंक्स देख लो आईएएस वालों की, उनके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आए होंगे। जीएस तुम्हें आईएएस नहीं बना सकता, जीएस तुम्हें रैंक दिला सकता, जो मेरी 3 बार आई है। आईएएस की रैंक तुम्हें ऑप्शनल से ही आएगी, क्योंकि आईएएस मैं बोलता हूँ एक जिग्सॉ पज़ल है, उसमें हर पीस जो है अपनी जगह पे फॉल इन करना चाहिए। इंटरव्यू तो पूछो ही मत, वो तो अलग चीज़ है। बीटेक एमिटी से नोएडा। टाइम मैनेजमेंट डेली वीकली और मंथली टाइम टेबल बना लो, एग्ज़ाम में हो जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं। वो अगर तुमने 4 बार रिवाइज करा है ना, और तुम्हारा आइडिया सेट है कि तुम्हें 12 पॉइंट लिखने हैं, 15 पॉइंट, 4 बार रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, तुम्हें एग्ज़ाम में सोचना भी नहीं पड़ता। मेरे साथ हर बार ये होता है, क्वेश्चन देखा, आंसर लिखा, ख़त्म। क्लॉक सेट कर ली कि 9 मिनट में करना है, 11 मार्क का क्वेश्चन शायद 9 मिनट में करते हैं, 15 मार्क का क्वेश्चन 11 मिनट में करते हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन 7 मिनट में, उसके अकॉर्डिंग मेरा पेन चलता रहता है, रुकता नहीं है हाथ बिल्कुल नहीं यार। रिवीजन इतनी सॉलिड होती है, 4 या 5 बार रिवाइज करने के बाद मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। अब ये तुम बोल सकते हो एग्ज़ाम फॉर्मेट की कमी है ये, कि तुम जो रट कर गए हो उसे तुम वॉमिट कर रहे हो बेसिकली पेपर पे, लेकिन ये ट्रूथ है, मैं यही करता हूँ हर बार। इंच बाय इंच पेपर भरो, पॉइंट्स लिखो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये 3 चीज़ कर लो, 450 आ जाएंगे जीके से। वो मेजर मतलब ड्रॉबैक रहता है इनिशियल अटेम्प्ट्स में, मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था ये, मुझे नहीं आता था काफ़ी कुछ, तो मिस आउट हुए थे, बहुत क्वेश्चंस मिस हुए थे। 70-80 मार्क्स का ओवरऑल मैंने जीएस छोड़ा था, उसके बाद से लेकर मैंने जितने 3 मेंस लिखे मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा आज तक 3 मेंस में। कुछ भी लिख दो बना के, जैसे इस बार वॉश का क्वेश्चन आया था मुझे नहीं आता था, मैंने हल्का सा आइडिया जो क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट हो रहा था सैनिटेशन पे, तो मैंने कुछ ना कुछ थीम बना के लिंक करके कर दिया, बाद में मैंने चेक करा मेरा सही है वो जो मैंने थीम बनाया, हो गया गलत ठीक है ना। ये है र्यूमर्स बाहर के यार, एग्जामिनर को मेंटेलिटी ऐसी ना बन जाए कि यार ये तो गलत आंसर लिख रहा है, पेल रहे तो ज़बरदस्ती लिख रहा है, नहीं होता ऐसा। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें तुम एकदम ही अलग लिख दो, पूछा पूछे लंदन का है तुम पेरिस लिख रहे हो, तो वो एक नेगेटिव थोड़ा सा बना सकता है, वरना जीएस 2 जीएस 3 में ऐसा कुछ नहीं है। देखो फॉर्मेट तो लगभग जो केस में उसमें सेक्शन ए में मैंने बताया था वही रहेगा, इंट्रो डेफिनेशंस, फिर इसमें एक ऐड हो जाता है न्यूज़ बैकग्राउंड, क्योंकि जीएस 2 जीएस 3 न्यूज़ से आते हैं, तो न्यूज़ बैकग्राउंड ऐड हो गया। फिर तुम्हारे पॉइंट्स आएंगे 12-13 पॉइंट्स, पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे, पॉलिटी में क्या होते हैं पेपर स्पेसिफिक, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस, एआरसी, ठीक है,
ये सब रिपोर्ट्स हो गई, कमिटीज़ हो गई, ये पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, इसके बिना पॉलिटी का कोई भी आंसर मार्क्स नहीं दिला सकता, ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद डायग्राम, कंक्लूजन। जीएसके यार मेरे ब्लॉग पे है, सब देख सकते हो, सब है उसमें। मैं वर्ड पे बनाता था, एमएस वर्ड पे सॉफ्ट कॉपी करंट के, पहले हिंदू पढ़ लिया, हिंदू के नोट्स बना लिए, फिर विजन से उसमें ऐड कर लिया, और अगर टाइम मुझे परमिट कर रहा है तो इनसाइट से ऐड कर लिया। बाकी मैं और कोई मैगजीन नहीं पढ़ता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये तीन सोर्सेज रहते मेरे। आइडिया अगेन वही है, मटेरियल अगर कंसाइज होगा तो तुम उसको रिवाइज कर सकते हो। इन दी एंड रिविजन मैटर्स, रिविजन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि अगर तुमसे क्वेश्चन इंडिया का भी पूछा गया है और तुमको हल्का सा भी नेपाल का आइडिया है कि नेपाल इंडिया के बगल में है, तो तुम इंडिया के बारे में पूरा लिख दो नेपाल को यूज़ करके, समझ रहे हो? मतलब ए, व्हाट इज ए पूछा गया, तुम्हें बी पता है तो बी को यूज़ करके तुम ए लिख दो। इतनी कनेक्टिविटी तुम्हारी बन जानी चाहिए, इसको मैं इंटरलिंकेज बोलता हूँ टॉपिक्स में, इतनी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है रिविजन, इसलिए इम्पॉर्टेंट। यार ये पंचायत का, जुडिशियल एक्टिविज्म का, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, और जनरली ये GS2 पॉलिटी में पहला या दूसरा क्वेश्चन होता है, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ज़्यादातर ये करंट में नहीं होता। तो इसके लिए जो लक्ष्मीकांत का पंचायत वाला चैप्टर है, पीसा का जो चैप्टर है, वो अच्छे से पढ़ लो, और एक बार खाप पंचायत पढ़ लो। आप कैसे कर रहे हो? मैं इसमें राउंड 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 घुमा के, क्योंकि ये मेरे वीक एरियाज है, पंचायत और जुडिशियल एक्टिविज्म, मैं ऐसे ही उसको लिख दूंगा। मैं बेसिकली जंप करता हूँ उस क्वेश्चन को, कि मैं स्ट्रेंथ वाला, स्ट्रेंथ जो जो भी करंट है, जैसे NJAC का क्वेश्चन इस बार आया था, तो वो 2016 करंट का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने वो इस बार भी रिवाइज करा था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था। देखो पॉलिटी में तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो एकदम करंट हो, जैसे इस बार आया था प्रिवेसी पे, GST पे और फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन, वो एकदम करंट था, वो सबको पता था आना ही आना है। दूसरा क्वेश्चन होता है स्टैटिक, जो पॉलिटी की बुक से आते हैं, लक्ष्मीकांत से, जैसे इस बार जॉइंट सेशन को लेके क्वेश्चन आया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं था, जॉइंट सेशन का, कि डेडलॉक्स के तीन क्या सिनेरियो होते हैं, जॉइंट सेशन क्या होता है, ये स्टैटिक हो गया। तीसरा क्वेश्चन है जो लोगों को हैंडल करने में मुश्किल होती है, जो आता है 1.5 साल पहले की करंट से, NJAC PAC इस बार क्वेश्चन आए थे दो, वो पहले की करंट से थे। तो ये तुम्हारे गट फील होती है, ये तुम्हें ट्रेंड्स एनालाइज करने आने चाहिए, कि ये पॉइंट जो है, ये जो न्यूज़ है NJAC, ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है UPSC। तो मैंने वो पढ़ा हुआ था, करंट बेस्ड था, और मुझे वही दोबारा वॉमिट करना था बस पेपर पे, जितने भी पेज भरने को बोलो मैं भर दूंगा। वो मुश्किल होगा, देखो पढ़ना 2-3 साल पढ़ना मुश्किल होगा। आइडियली मैं प्री के भी नोट्स बनाता हूँ, तो जैसे प्री जून में है, मान लो मैंने 17 का प्री दिया है, 18 जून को था वो, ठीक है, तो मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। अब तुम्हारा प्री आया इस बार जो 3 जून को था, अब मेंस कब है, अक्टूबर में, इस बार, तो यहाँ के तो नोट्स तुम्हारे पास होंगे ही होंगे, पक्का है। तुमने मेंस भी लिखा था पिछली बार, अगर मान लो वो अक्टूबर में था, तो उसके नोट्स भी तुम्हारे पास होंगे, अगर नोट्स बनाए हैं तो। लोग नोट्स नहीं बनाते हैं काफ़ी, वो प्रॉब्लम हो जाती है। अब की क्या है, ये जो है जून से लेकर अक्टूबर तक, पिछला प्री जो था और जो मेंस था, उसके बीच की जो न्यूज़ है, जो तुम्हें लगती है अभी इम्पोर्टेंट है, जो NJAC का क्वेश्चन है वो सितंबर की न्यूज़ थी, PAC का जो क्वेश्चन है, विजन का मटेरियल उठा के देखना, सितंबर में पॉलिटी का जो उनका सेक्शन होता है उसमें पहली न्यूज़ थी वो, सितंबर 2016 की शायद।
तो यहाँ का जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे पिछला मत जाना, इससे पिछला मत जाना। जून 17 अगर तुम इस बार का मेंस लिख रहे हो तो वो विजन से देखो, बिल्कुल मोर देन इनफ है वो। अभी कर दो थोड़ी बहुत, अभी ज़्यादा मत करना, दो या तीन क्वेश्चंस अभी तो तुम्हें ये पता होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लिखना क्या है, लिखना कैसे है वो तो गेम ही अलग है। तो अभी अगर यही नहीं पता लिखना क्या है तो क्या लिखोगे? तो पहले तो अपना कंटेंट बिल्डअप करो, उसके बाद धीरे धीरे शुरू करो। ज़्यादातर लोग पहले करते हैं प्री के साथ ही करते हैं, लेकिन पहले अपना 2-3 महीने रुक जाओ, कंटेंट बिल्डअप होने दो, फिर शुरू करना। इवेल्यूएशन बहुत सिंपल है, तुमको मैंने बताया 10 या 15 पॉइंट, तुमने 10 पॉइंट लिख दिए, तुम्हें किसी इवेल्यूएशन की ज़रूरत नहीं, उसके बाद तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे 10 पॉइंट अगर लिख के। तुमने इंट्रो लिखा है, डिफाइन करा है, न्यूज़ बैकग्राउंड लिखा है, 10 पॉइंट लिखे हैं, डायग्राम बनाया, कंक्लूजन बनाया, मार्क्स गारंटी है, कोई इवेल्यूएट कराने की ज़रूरत नहीं। 10 पॉइंट अगर किसी ने लिखे तो मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता यार, कोई इवेल्यूएट करके तुम्हें 5 नए पॉइंट बता देगा, तुम्हें उन 5 नए पॉइंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने क्योंकि 10 लिखे हैं। ठीक है, वाइंड अप करें सर, बताएंगे यार वो मेरा 27th अगस्त। ये देख लो, अभी भी एंकल ब्रेस बांधा हुआ है, एंकल में लिगामेंट टियर है, नी में लिगामेंट टियर है, अर्थराइटिस भी है साथ में, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कार्टिलेज जो है वो वेयर आउट हो रहा है, वो ठीक नहीं होता है, उसका क्योर नहीं है कोई, तो इसलिए जो ट्रेनिंग है वो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। मुझे कभी भी हल्का सा भी जर्क लगता है तो स्वेलिंग हो जाता है, अभी पैर सूजा हुआ है। ट्रेनिंग मुश्किल है यार? मुश्किल नहीं है, इंजर्ड नहीं होना चाहिए शुरुआत में, मैंने शुरुआत में ना कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया, शुरुआत में रिलैक्स होना पड़ता है, वो मैं रिलैक्स नहीं था, मैं कंपटीशन में आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ लिया बस। अगर शुरुआत में इंजरी हो गई, मुझे 2nd वीक में इंजरी हो गई थी, तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता, और लेग में हुई थी, लेग का हर जगह काम है, हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हो तो उसे नी से कंट्रोल करना होता है, थाई से, अब मेरे से जोर ही नहीं लग रहा, फायरिंग कर रहे हो, SLR फायर कर रहे हो तो पोजीशन उसमें लेट के करनी थी, उसमें मेरा नी टच हो रहा है जैसे ग्राउंड पे, पूरा सेंसेशन हो रहा है, तेज़ एकदम दर्द हो रहा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। मैंने सरवाइव करा 3 मंथ्स, अगर मैं रुकता एकेडमी और उस बार तो मैं कर लेता। ये होता है ना यार, मैं मान लो मैंने 0 से चालू करा था और मैं एकेडमी में करते करते इंजर्ड होकर -5 हो गया, फिर भी मैं कर लेता, अब तो मैं शुरू ही -5 से कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ से, पहले तो मुझे 0 पे आना पड़ेगा बाकी लोगों के स्टेमिना पे, फिर मैं कर पाऊँगा, तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, इसलिए मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, IRS के लिए चेंज हो रहा हूँ इस बार। दो बार IPS बना, ट्रेनिंग एक बार भी नहीं कर पाया। ख़त्म करें? नहीं, वाइंड अप हो गया बस, ख़त्म। नंबर नहीं मिल सकता यार, तुम मुझे ब्लॉग पे कांटेक्ट कर लो, यूट्यूब पे कर लो, कोरा पे कर लो, फेसबुक का पेज है उस पे कर लो, 4 प्लेटफॉर्म है, मैं रिप्लाई करता हूँ, 1.5-2 घंटे में मैं रिप्लाई कर देता हूँ। करिए, तुमने आती है रिप्लाई, आता है यार। देखो मेरा 5 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, 4 मेंस का एक्सपीरियंस है, और मेरा पूरा कंसाइज हो चुका है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है एथिक्स में, ऐसी बाकी GS में, तो वो एक्सपीरियंस है बस, और कुछ नहीं। हिंदू पढ़ते हैं? हिंदू, मैं हिंदू का तुम्हें एक एक मतलब क्वेश्चन से आर्टिकल में गिना सकता हूँ। तुमने अगर फॉलो करा हो साइंस वाला, अगर तुमने मेरा वीडियो देखा हो यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने आर्टिकल्स तक मेंशन करे हुए हैं, 2017 के जो साइंस के क्वेश्चन हैं GS 3 के, वो हिंदू के कौन से आर्टिकल से आए हैं।
हिंदू साइंस के लिए लोग क्या क्या पढ़ते हैं सोचो, और वो हिंदू से आए हुए यूट्यूब पे वीडियो है, यूट्यूब पे है चैनल पे साइंस। कोई ईमेल आईडी है? मैंने बनाया था, कोरा पे डाला था इसी के लिए बना के, उस पर इतनी वियर्ड क्वेरीज आई मैंने वो डिलीट कर दिया वहाँ से। क्योंकि लोग यार तुम कोरा पे मैसेज में पूछ सकते हो या वर्डप्रेस पे या मेरे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हो, लोग सेम क्वेरी आंसर पढ़ने के बाद फिर मुझसे पूछ रहे हैं वन टू वन के लिए उस पे जीमेल पे जाके, तो उसका कुछ यूज़ नहीं था, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, थैंक यू। शुरू कब करें आप ये नहीं बता दिया वो सर बताएंगे।